तो क्या बस गरीना फ्री फायर की तरफ से एक प्यारा सा अपडेट आया है जिसके अंदर आप लोग गिल्ड को लेवल 7 का कर सकते हो। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि लेवल 7 का कैसे करें। लेवल 7 का करेंगे तो फिर हम लोगों को फायदा क्या होगा, रिवॉर्ड क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते कि हमें इस लेवल 7 पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा और फिर आप लोग इजीली लेवल 7 का गिल्ड कैसे कर सकते हो उसकी बात करेंगे। तो रिवॉर्ड देखने के लिए आप लोगों को एक्टिविटी पे जाना है, उसके बाद आप लोगों को गिल्ड स्टोर के अंदर जाना है। तो सिंपली पहले तो जो भी आप लोगों को रिवॉर्ड मिले, जैसे कि मुझे गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहा है तो इसको आप लोगों को क्लेम कर लेना। ये तो सेम टू सेम आपको भी मिले। अब कस्टम की लिमिट बढ़ा के गरीना ने यहाँ से 2 कर दिया है, तो आप लोगों को ये भी बाय कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ BR कार्ड और CS कार्ड इसको याद करके ले लेना भाई, ये बहुत काम आते हैं। आप लोग BR और CS दोनों खेलते हो, तो मैंने सबको बाय कर लिया यहाँ से। नहीं ये नहीं बाय किया ना, देख लेते रुको एक ही मिनट। तो इसको बाय करते हैं, यस ये बाकी था मेरा, ये बाय हो चुका है। इसके अलावा कस्टम की लिमिट 1 ही रखी है गरीना ने, ये थोड़ा बुरा लगा यार। और यहाँ आप लोगों को एक लेवल 7 पे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये आपको फ्लैग चाहिए तो ले लेना, मेरे पास पहले से ओरिजिनल है तो मैं इसको नहीं बाय करता। इसके अलावा ये सब कुछ मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। जो लेवल 7 पे आप लोगों को मिलेगा, लेवल 7 का रिवॉर्ड गरीना फ्री फायर ने 1 ही रखा है, वो है ये कटाना का स्किन। कटाना का स्किन अगर आप लोगों को चाहिए तो गरीना ने क्या लिखा है, गिल्ड लेवल 7। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है कि राज भाई गिल्ड लेवल 7 का आखिर करे तो करे क्या। तो पहले तो आप लोग समझ गए कि जितने भी ये रिवॉर्ड है वो सबके सब लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 के ही है, सिर्फ ये कटाना को छोड़ के। कटाना चाहिए तभी आप लोगों को लेवल 7 का यहाँ गिल्ड करना पड़ेगा। तो लेवल 7 का गिल्ड करने के लिए वापस ओवरव्यू पे आ जाते हैं। तो पहले एकदम सीधा एंड सिंपल समझा देता हूँ कि आप लोगों को लेवल 7 का करना है तो आप लोगों को 417,000 ग्लोरी की जरूरत पड़ेगी, और ये वीकली नहीं रहेगी, ये आपकी लाइफ टाइम रहेगी। जैसे कि हमारी 265,000 ग्लोरी चल रही है ना, उसको हमें 400,000 करना है। तो आप बोलोगे राजू 400,000 बहुत होता है, 400,000 बहुत नहीं होता है। इसके आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो आप लोग करंट देख सकते हो। अभी हमारा लेवल 6 का गिल्ड है तो हम लोगों को क्या फायदा होता है, सबसे पहले EXP यानी कि जो एक्सपीरियंस मिलता है हमारे जिससे लेवल बढ़ते हैं, हमें 7% ज्यादा मिलता है, गोल्ड 6% ज्यादा मिलता है। सिंपली हम लोगों को डेली के अगर 1000 गोल्ड मिल रहे तो 60 उसमें एक्स्ट्रा मिलेगी। वही डेली गोल्ड लिमिट 50 प्लस कर दिए यानी कि 60 हो और 50 ये 110 गोल्ड एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलेगा। गिल्ड मेंबर लिमिट जो अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो हमारा 50 है, अगर आपका लेवल 5 का होगा तो यहाँ 45 का मिलेगा, 5 का आप लोगों का बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ अनलॉक गिल्ड स्टोर रिवॉर्ड जो मैंने आपको बता दी, वही सेम टू सेम गरीना फ्री फायर ने यहाँ लेवल 7 पे चेप दिया है, कोई भी डिफरेंस आप लोगों को यहाँ अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हम लोगों को लेवल 7 का करने के लिए अब यही करना पड़ेगा, यस आप लोगों को लेवल 7 का करने के लिए टोटल ग्लोरी बढ़ानी है, ना कि आप लोगों को वीकली ग्लोरी। जो वीकली ग्लोरी अगर आप लोगों को लेवल 6 का मेंटेन करके रखना है ना, तो 67,500 एक्टिविटी पॉइंट आपको हर वीक देना पड़ता है गरीना फ्री फायर को, और वो आप लोगों को खेलने पे मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम दोनों पाई का यहाँ 44,000 जैसा एक्टिविटी पॉइंट है, तो बहुत एक्टिविटी पॉइंट मिलता है। तो आप लोगों को जो टोटल करना है वो करना है 417,500। 417,500 आप लोग कर दोगे तो आपका लेवल 7 का हो जाएगा। लेवल 7 का करने के लिए आप लोगों को वीकली नहीं देखना है, टोटल देखना है। और टोटल कैसे बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा आपका खेलने पे। तो आपके गिल्ड में कितने मेंबर्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी लेवल 7 का करने पे आप लोगों को एक ही फायदा होगा, कटाना की स्किन मिलेगी। कटाना की स्किन अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास कितनी कटाना की स्किन है, तो मेरे पास 18 कटाना की स्किन है जिसके अंदर से मैं ये वाली कटाना की स्किन यूज करता हूँ, जो ये लेजेंडरी है, मतलब ईओ कहा जाता है। बाकी ये भी है लेकिन इसको मैं नहीं यूज करता। बाकी गिल्ड का है कि मेरे पास ये वाला है लेकिन ये थोड़ा अलग है, गिल्ड से थोड़ा ही अलग है, और जैसे देखे तो सेम टू सेम जैसा ही रहेगा। और ये वाला ये बुआ डेका है, ओके थोड़ा तो अलग है भाई, गिल्ड वाला थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूँ लेवल 7 का, ये थोड़ा अलग है, मेरे पास भी नहीं है ये वाला। इसके अंदर एनिमेशन भी है, मतलब लेजेंडरी है, आप लोग शॉर्ट में ये कह सकते हो, लेजेंडरी स्किन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों का यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा कि लेवल 7 का करने के लिए आप लोगों को एक्टिविटी पॉइंट जो चाहिए वो टोटल चाहिए, यहाँ वीकली ना मंथली। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारा मंथली यानी कि टोटल आप लोग शॉर्ट में समझ लो, टोटल 2,00,000 प्लस हमारा है, उसको 4,00,000 प्लस करना है। तो आप 4,00,000 प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप लोग कर दोगे। इसके लिए एक्टिव प्लेयर गिल्ड के अंदर लेके आओ, आपका 100% हो जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी आप लोगों को लेवल 7 पे कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है।